अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 19th of July 2023 एंड इट इज वेनसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 45,105 की सॉरी 45,101 पर। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 45,227 का। लो की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट ने अपना लो लगाया 44,928 का। क्लोजिंग दी मार्केट ने तकरीबन 45,095 पर। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 125.86 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। आज के अगर टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खासतौर पर PPL 8.96 मिलियन के साथ सरे फहरिस्त है, फिर इसके बाद OGDC, फिर UBL, PIBTL, हबको, सीन एनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब के इलेक्ट्रिक, SNGP वगैरह जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स में शेल पाकिस्तान, TGL, बैंक अल हबीब, UBL, MCB और बैंक अल फला जो है वो शामिल है। ये टॉप लूजर्स की बात करते हैं कॉलगेट, एयर लिंक, PSMC, AGP, PSX, होंडा कार और पाक इलेक्ट्रॉन जो है आज के टॉप लूजर्स में जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं, बिल्कुल छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है पिछले तकरीबन लास्ट 5 वर्किंग डेज हम कह सकते हैं। आज का दिन मिला के और पिछले 4 वर्किंग डे मिला के हमें मार्केट थोड़ी थोड़ी जो है वो नेगेटिव यानी टाइम वाइज करेक्शन करती हुई नजर आ रही है। अभी भी मार्केट ने उस तरह ब्रेक डाउन जो है वो नहीं दिया। अगर हम मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, फिलहाल मार्केट की सपोर्ट जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि कुछ छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस खड़ी है मार्केट की तकरीबन 45,000 और 110 के करीब करीब, और सपोर्ट जो है मार्केट की ऑलमोस्ट जो है मौजूद है 45,786 के राउंड अबाउट ही है। ये डिफरेंट मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ पर यूज हुई है जिसमें खास तौर पर जो है 20 की भी, 50 की, 100, 200, 150, 175, 185, डिफरेंट किस्म की मूविंग एवरेजेस लगा कर जो है इसको चेक किया जाता है कि मार्केट जो है कौन सी खास तौर पर जो है वो सपोर्ट पर मौजूद है और कौन कौन सी जो है वो रेजिस्टेंस जो है मौजूद है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछा, वन बाय वन जो है आप लोगों के सवालात को ले लेते हैं। ये जी दाऊद साहब है मदीना मनवरा से, आपने पूछा कि एनालाइज करें एग्रो फर्टिलाइजर को, FFED को और FFC को फॉर लॉन्ग टर्म बाय। लॉन्ग टर्म के लिए तो सर ये जो है सोना किस्म के स्टॉक है। ये FFC हो गया, एग्रो फर्टिलाइजर हो गया, अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके अंदर जो है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तकरीबन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है 80 रुपीज के राउंड अबाउट जो है, आप एफर्ट को ले सकते हैं और ये फिर ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है ये। और इसी तरह जो है अगर हम लोग बात करते हैं FFC की, FFC फिलहाल ट्रेड कर रहा है 99.47, तो जब तक ये 100 रुपये से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है दोनों में से कौन सा बेहतर है, फिर ये देखें दोनों में से डिविडेंड परसेंटेज वाइज जो डिविडेंड यील्ड होती है किसकी ज्यादा है, तो जिसकी ज्यादा है आप वो ले लेंगे। तो दोनों को कैलकुलेट कर लें कि अगर ये मैं लूंगा इतने पैसे लगाऊंगा और इतना ये डिविडेंड देगा। डिविडेंड की हिस्ट्री तो ये सामने आपके सामने लिखी हुई है, जैसे ये 42.60, फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर 31.80, यहाँ पर भी तकरीबन 3.5 रुपये का डिविडेंड है, यहाँ पर 2 रुपये का डिविडेंड है, यहाँ पर 3.5 रुपये का, 3.70 रुपये। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है दोनों के डिविडेंड को कितना पैसा लगाया जाए और इनका डिविडेंड किसका ज्यादा होगा, जिसका भी ज्यादा होगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, वही अच्छा स्टॉक है ये। जी गजनपुर साहब कह रहे हैं शेल और UBL जो है आप बाय कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं सर। शेल जो है बिल्कुल बुलिश हुआ हुआ है, इसको लिया जा सकता है, ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 101 रुपये का और फिलहाल इसका जो करीब का टारगेट है तकरीबन 137 रुपये का, इसको बिल्कुल लिया जा सकता है। और इसके अलावा UBL की बात की जाए तो UBL भी ऑलमोस्ट जो है अपना ब्रेकआउट रिसेंट दे चुका है तकरीबन 133 रुपीज के राउंड अबाउट जो है ये इसका डिविडेंड ये सॉरी ब्रेकआउट बनता है और फिलहाल इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल 150 जो है ये बन रहा है। जी खलील अहमद साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि आपकी बाइंग है एंग्रो कॉरपोरेशन की, तकरीबन आपने बाई किया हुआ है 274 का, फिलहाल सर ये ट्रेड कर रहा है 254 का,
कंपनी ये बहुत अच्छी है, डिविडेंड वाली कंपनी है, और कम से कम इसकी जो प्रॉफिट लेवल है वो 300 रुपए से ऊपर ऊपर का है। यहाँ पर अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो यहाँ पर थोड़ा और ले नहीं है। जी आमिर साहब है, आप भी सऊदी अरेबिया से आपका ताल्लुक है। आपने पूछा कि आप प्लीज शेयर लिस्ट ऑफ स्टॉक विद 2 इयर्स इन माइंड, प्लीज इंडिकेट देयर टारगेट प्राइस एज वेल। जी सर, आप वीकेंड पे मुझे याद कराइएगा, वीकेंड पे मैं अच्छे से कोई स्टॉक ढूंढ के जो है आपके साथ शेयर करूंगा। ये जी शकील साहब है कराची से, आपने पूछा ओजी डीसीएल के बारे में। आपकी बाइंग है 84 रुपीज की और आपको एफर्ट भी आपने लिया हुआ है। एफर्ट का सर अभी बता चुका हूँ। ओजीडीसी आपके रेट के बिल्कुल करीब करीब है, लेकिन आप फिलहाल इसको बेचे ना, आप थोड़ा सा सब्र कर जाए। ओजीडीसी अच्छी कंपनी है, आने वाले दिनों में मार्केट का थोड़े से चांसेस है बुलिश होने के। जिस टाइम पे ये तकरीबन 89-90 रुपीज क्रॉस कर गया तो ये बहुत तेज हो जाएगा, यानी काफी बेहतर हो जाएगा। फिर 100 रुपए के करीब करीब आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो है शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। बाकी हबको का आपने पूछा, आपकी 78 की बाइंग है सर, इसको भी आप ना बेचें, ये भी रखने वाला स्टॉक है। ये वो स्टॉक है जिनके साथ प्यार किया जाता है, मोहब्बत की जाती है। ये हो गया एफर्ट, हो गया एफएफसी, हो गया ये है तो स्लो स्टॉक होते हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है फिर तो रखे रखे, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है तो ट्रेडिंग वाला ये स्टॉक नहीं है ये। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि मिचेल फ्रूट्स का जो है वो रिव्यू दे दे। जी म्यूचुअल फ्रूट आपकी बाइंग है 86 रुपीज की, यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है 80 रुपीज के राउंड अबाउट। थोड़ा सा सबर कर जाए, तकरीबन 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम की ये थोड़ी सी करेक्शन ले रहा है और ऑलमोस्ट इसकी करेक्शन कंप्लीट होने वाली है। जिस टाइम भी ये अनकरीब 88 से ऊपर इंशाल्लाह आपको जाता हुआ नजर आएगा, जो इसका 88 का ब्रेकआउट निकलेगा तो फिर ये 95 के करीब करीब जो है वो पहुंच जाएगा ये। दूसरे नंबर पर आपने एआरपीएल के बारे में पूछा हुआ है, आपकी 580 की बाइंग है, फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 484 रुपीज के राउंड अबाउट। तो यहाँ पर ये अपना छोटा सा ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 480 का, तो बेहतर ये है कि फिलहाल आप इसको भी होल्ड करके रखें। डिविडेंड यील्ड इसकी भी बहुत अच्छी है और ये भी स्टॉक जो है वो निकल जाएगा ये। जी नेक्स्ट हसन कमाल साहब कह रहे हैं यूनिटी से एग्जिस लिया जाए वक्ती। सर आपने पता नहीं किस रेट पर लिया हुआ यूनिटी, आपने बताया नहीं है। यूनिटी फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 23 रुपीज के राउंड अबाउट। अगर तो यूनिटी आ जाता है तकरीबन जो है, जैसे ये इसके मुख्य पॉइंट है, अगर ये यहाँ तक आ जाए 20.50 के राउंड अबाउट, यानी 20 रुपए से 21 रुपए के दरमियान दरमियान, वहां पर तो बाय करना बनता है। अगर आपने ऑलरेडी का लिया हुआ है तो 22.50 का जो है आप स्टॉप लॉस रखें, फिलहाल जो है इसको ना बेचें ये। जी तो आज जो है थोड़े सवाल कम थे यूट्यूब पर, जिन्होंने जो व्यूवर्स हमें रेगुलरली देखते हैं आपके मोहब्बतों का शुक्रिया, तो वहां पर जिन्होंने कमेंट किए हुए उनके कमेंट्स जो है वो ले लेते हैं। जो है उसमें कुछ स्टॉक्स आपने शायद पूछे हो। जी सैयद शिराज साहब कह रहे हैं गुड पेनी स्टॉक का आपने पूछा, गुड पेनी स्टॉक जो है सर इसमें खासतौर पर WTL हो गया, कोई नूर स्पिनिंग हो गया, यूसुफ वेविंग हो गया, PIA हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, ये सारे बहुत अच्छे जो है पेनी स्टॉक है ये। जी कोई ये है रोजेट 786 जो है, आप कह रहे हैं कि एन बाय रेट फॉर NRL और होंडा कार और एंग्रो आपने पूछा। एंग्रो सर अभी रिव्यू दे चुका हूँ, अभी एंग्रो तो लिया जा सकता है। NRL जो है आने वाले दिनों में अगर ये आ जाता है तकरीबन, जैसे इसकी सपोर्ट यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया था, अगर तो ये आ जाए तकरीबन 210 रुपये से लेकर 196 रुपये के दरमियान दरमियान, तो इसको लिया जा सकता है ये। और एच कार के बारे में आपने पूछा, एच कार जो है अगर ये आ जाता है तकरीबन, ये बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर आ चुका है ये, और इसकी मजीद देख लेते हैं कि नीचे क्या सिलसिला चल रहा है ये। और अभी है 109.20 और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आ जाए 105 रुपीज के राउंड अबाउट ये। अगर ये 105 रुपये तक आ जाता है तो बेहतर ये है कि आप इसको वहां पर बाय करें ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है शाहिद इकबाल कह रहे हैं गुड, और अशफाक साहब कह रहे हैं जजाक अल्लाह बहुत शुक्रिया सर, और अयूब अलवी साहब कह रहे हैं कि गुड इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम, अल्लाह ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया सर। और जो है ग्रीन कैसल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं है कि स्टॉक नए टारगेट है, इनशाला सर आप देखेंगे कि स्टॉक टारगेट हिट करेंगे भी और मार्केट भी अपना एक नया जो है वो हाई भी लगाएगी। जी इसके बाद जो है सुहेल इकबाल साहब कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट IELP फ्यूचर इंटरलूप के बारे में आपने पूछा।
आईएलपी जो है सर, फिलहाल टेक्सटाइल सेक्टर हमारा चल नहीं रहा, जिस टाइम भी हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर होगा तो आईएलपी जो है ये भी चलना शुरू हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 40.62 पर, और पीछे से डिविडेंड बोनस भी दिया हुआ था जिसकी वजह से ये एक्स हो गया, अच्छा डिविडेंड बोनस दिया इसने। अगर आने वाले दिनों में ये 40.54 का ब्रेकआउट दे देता है फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा, इससे पहले ये लेना बनता नहीं है ये। जी मोहम्मद फहीम साहब ने कहा नाइस, और ये ग्रोसरी गुरु साहब है ये कह रहे कि पीआईसीटी का रिव्यू, पीआईसीटी का भी मैंने आपको बताया आज भी ये लॉक लगा, अब पीआईसीटी को इसकी खबर आ जाएगी कि इनका जो है वो एग्रीमेंट रिन्यू हो गया है, तो खबर बाद में आएगी, ये पहले ही ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए आपको ये जाता हुआ ऊपर नजर आ रहा है तो इसको यहीं पर पकड़ ले और नीचे को स्टॉप लॉस रखना है इसका ये। जी मीर साहब है आप कह रहे हैं 3249 जो है कह रहे हैं कि एनसीएल का बाइंग आपने पूछा, निशाद जूनियर लिमिटेड का सर फिलहाल जो है एनसीएल ट्रेड कर रहा है 21.80, ये बिल्कुल अपने बाइंग रेट पर है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर ये यहाँ से निकल जाएगा, ये 20 से लेकर 22 रुपए के दरमियान इसको लिया जा सकता है। अब गुलाम यासीन साहब कह रहे हैं क्या इस बार सेंचुरी पेपर शेयर बाय कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं सर, सेंचुरी पेपर जो है इसको देख लेते हैं, बिल्कुल ये अपने जो है वो बॉटम रेट पर पहुंच गया है ऑलमोस्ट 28, और या तो थोड़ा सा वेट कर जाए इसको अपना ब्रेकआउट जो है वो देने देंगे, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा काफी नीचे चला गया, ये इसका ब्रेकआउट जो है होगा जो है तकरीबन इसको देख लेते हैं छोटे बड़े टाइम फ्रेम में लगा के, इसको जो है 33 रुपए से ऊपर आने दें फिर आप इसको ले लें, जब तक ये 33 से ऊपर नहीं आता फिलहाल बेहतर ये कि फिलहाल इसको ना लें। जी गुलाम यसीन साहब मजीद पूछ रहे हैं कि 10 या 20 से कम बेस्ट स्टॉक बता दें, अभी सर बता चुका हूँ पेनी स्टॉक से जो शुरू में बात की मैंने। जी ASSS3133 पूछ रहे हैं कि मैं डेली आपके वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे पूछता हूँ सिल्क बैंक और पेस के प्लीज बता दें, मैं ड्यूटी पर होता हूँ जब आप ऑनलाइन आते हैं प्लीज बस वीडियो में ऐड कीजिएगा। सिल्क और पेस सर, पेस तो ये दोनों ही तकरीबन बहुत अच्छे स्टॉक है, पेस भी और सिल्क भी रियल स्टेट से इसका ताल्लुक है और बिल्कुल अपने पैनी स्टॉक में बॉटम रेट पर मौजूद है ये, तो अगर ये आपको 2 रुपए के करीब करीब जो है ये मिलता है, 2 रुपए 2 रुपए 20 पैसे 2 रुपए 10 पैसे के करीब करीब इसको ले, जब ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा पैनी स्टॉक के चलने की बारी आएगी तो आपको पेस पहले ही जाता हुआ ऊपर नजर आएगा, ये कम अज कम 3.5 4 रुपए वाला स्टॉक है। इसी तरह सिल्क अगर आपको 1 रुपए से नीचे नीचे का मिलता है तो यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव, अभी रिसेंटली सिल्क आया था 0.80 पैसे पर, अभी 0.97 पर है, तो जब तक जो है ये 1 रुपए से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है ये। जी इसके बाद जो है यूजर JRJME आप पूछ रहे हैं कि आई नीड रिव्यू रिगार्डिंग इमेज के बारे में आपने पूछा, और इमेज जो है अगर आप सर लेना चाहते हैं फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 11.52, बिल्कुल तकरीबन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है, इस रेट पर बिल्कुल इसको लिया जा सकता है, 9 रुपए से लेकर 12 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है, इसको जो है वो लिया जा सकता है। जी और फिर जब लेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा, जब ये 13 रुपए का ब्रेकआउट देगा तो फिर आगे प्रॉफिट टेकिंग लेवल आगे बाद में बताए जाएंगे। जी आमिर खान साहब कह रहे हैं कि एनसीपीएल के बारे में बता दें, आई वॉन्ट टू एंटर इन 40, बिल्कुल लिया जा सकता है सर, इन ये जो है जो डिविडेंड वाला स्टॉक है निशाद यूनियन पावर प्रॉपर डिविडेंड वाला, यानी ये स्टॉक है ये बार बार डिविडेंड देता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, 19 रुपए पर ट्रेड करा है, इससे अच्छे भी स्टॉक मौजूद है जैसे कैपको है हपको है वो ले ले तो वो ज्यादा बेहतर है ये इससे भी। जी, और आमिर खलील साहब कह रहे हैं कि बहुत अरसे के बाद से आप सब्सक्राइब किया और कह रहे हैं कि वही पुराना फॉर्मूला फिर से स्टार्ट करें एनालिसिस द शेयर्स एंड क्वेश्चन आंसर, जी सर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दोबारा से वो सिलसिला शुरू करूँ जिसमें मैं प्रॉपर स्टॉक के एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ शेयर करता था, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी सी रूटीन सेट करूंगा और फिर इंशाल्लाह आपके साथ प्रॉपर दूसरी वीडियोस भी एनालिसिस की और टेक्निकल की वीडियो भी अनकरीब जो है वो भी बनाना शुरू करूंगा। ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी ने बिल्कुल इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।